दोस्तों नमस्कार। राजस्थान हाई कोर्ट LDC के मॉडल पेपर के रूप में आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान जीके। कह सकते हैं आप जो जीके का क्वेश्चन आएगा, जो 50 क्वेश्चन जीके के रहने वाले हैं उनके संदर्भ में आज बात करेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह रहेंगे और आपको किस किस तरह उनका सिलेबस है जो कवर करना होगा। आपने हिंदी का इंग्लिश का अगर मॉडल पेपर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज चलते हैं अपन जीके का पेपर कवर करते हैं, वहां पर देखते हैं कि जीके की आपको किस तरह तैयारी करनी है, जो कि 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स भी है, राजस्थान जीके भी है और भारत का भी जीके है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जैसे हमने लाया है, जो पिछले ईयर का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है घूमर नृत्य है, जो विशेष त्योहारों पर या गणगौर पर किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखें, ये सभी क्वेश्चन जैसे आया है गणगौर का, तो ये अपने राजस्थान की लोक संस्कृति कह सकते हैं उनके संदर्भ में आया है। राजस्थान के मंगला क्षेत्र कौन सा खनिज प्राप्त होता है, जैसे मंगला क्षेत्र में, तो यहाँ मंगला क्षेत्र में तेल के भंडार है। उसके बाद में बात करें अपन निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपकरण एवं किस स्थान का सही मिलान कीजिए, इसका सही आंसर है जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन सिटी चित्तौड़गढ़ कह सकते हैं। ये क्वेश्चन जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था उनके संदर्भ में है, तो आप इसमें जो करंट क्वेश्चन आते हैं वो हो सकता है अभी के लेटेस्ट में उनमें परिवर्तन हो। उसके बाद में अपने सभ्यताओं के संबंध में आया है, जो पुरातात्विक स्थल है, जैसे कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर है अमलाशन घोष के द्वारा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है, तो इसका सही आंसर है रूपी ऐप। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो इसको न्यायमूर्ति श्री यू ललित है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसके अंतर आप देख सकते हैं परिवर्तन होता रहता है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है, तो कमला हैरिस है, जो मूलतः तो भारतीय है, वो भी वर्तमान में भी राष्ट्रपति के रूप में है, उपराष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर देख सकते हैं इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराए जाते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं, इसका सही आंसर क्या है? तो ये राजस्थान की संस्कृति के संबंध में है, जिसका हरियाली अमावस कहते हैं, इस दिन पर ये कार्यक्रम किए जाते हैं। निम्न में से कौन कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है, तो इसका सही आंसर है जो मुर्रा है, जो गोवंश की नस्ल नहीं है, बाकी जो थारपारकर गिर और कांकरेज है जो गोवंश की नस्लें हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर है सर्वप्रथम है जो उदयपुर में स्थापित किया गया है। GST का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, जिसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन, जो 2021 में बने थे। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती थी, तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल ने। श्री मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है तेलवाड़ा बाड़मेर में। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, जिसका सही आंसर है करक रेखा, भारत से मध्य से लगभग होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसका सही आंसर है जैसे हाड़ौती कोटा के संबंध में है, बागड़ी बांसवाड़ा डूंगरी जयपुर मेवाती है, जो उदयपुर के संबंध में है, ये है जो इसका युग्म सही नहीं है, क्योंकि मेवाती है वो पूर्वी राजस्थान के जिलों से संबंधित है। ऊंट के खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो इसका सही आंसर है रोहिड़ा या रोहिड़ा के फूल। इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित जो मिशन का नाम क्या था वो देना है, तो आदित्य L1 है, जो सूर्य अध्ययन के संबंध में प्रस्तावित मिशन तैयार किया गया था इसरो के द्वारा। आना सागर झील के विषय में सही करता है, तो इसका सही आंसर है 4D, जैसे पृथ्वीराज चौहान के दादा अनु राज ने इसका निर्माण करवाया था।
वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमले करवाए थे या किया था? तो इसका सही आंसर है बालाकोट है, वहां पर हुए थे, जो 2019 के संबंध में है। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर, जावर में जो उदयपुर में खान है वो सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर सीसा और जस्ता के भंडारण है। निम्न में किस खिलाड़ी को राष्ट्र ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया था? इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच से, जिसको बाहर कर दिया गया था, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में हुआ था, उनसे संबंध में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर के संबंध में। निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म है जो गलत है? सीतामणि रा सुंगटिया और सीताराम लालरा, ये है जो इसका सही अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है पद्म भूषण से। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्राम की भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है जस्ता। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है रिजर्वस ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसके संबंध में है, तो इसका सही आंसर है घोड़ा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को, तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी से। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मांड गायन शैली के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग 2000 शब्द के बाद में आया था, पहले इसको योजना आयोग कहते थे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है जोधपुर, जिसको काजरी कह सकते हैं आप। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड था, इतिहासकार, उन्होंने किया था। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री एनवी रमना। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले के सीमा में आता है? तो इसका सही आंसर है कोटा जिले के सीमा में। उच्चतम न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति पद कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 37। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है तेजाजी के मेला बीकानेर, ये आंसर इसका सही नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है K2, जो भारत के अंतर सबसे बड़ी चोटी है भारत की। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं आडा वाला पर्वत कहते हैं। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न से किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात की। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? इसका सही आंसर है अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा का भाग कह सकते हैं आप। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। निम्न में से पेगासस क्या है? तो इसका सही आंसर जासूसी सॉफ्टवेयर है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? तो इसका सही आंसर है आदि शंकराचार्य। निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर है हरना संधू, जो 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है भारोत्तोलन के संदर्भ में। ये दोस्तों जो मार्च 2022 में एग्जाम हुआ था, जो 2020 की जो भर्ती थी उसके जो पेपर है उसका क्वेश्चन अपन ने लिया था। इसी तरह जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आपने भारत के भी संदर्भ में देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इस एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आप इस तरह है जो इसका तैयार कर सकते हैं, सिलेबस तैयार कर सकते हैं, आप सिलेबस देख सकते हैं। अगर सिलेबस आपने नहीं देखा है या आपको सिलेबस में कोई कठिनाई आ रही है समझ में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके भी
एलडीसी हाई कोर्ट का सिलेबस आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। जो कि भर्ती के संबंध में, सिलेबस के संबंध में और मॉडल पेपर के संबंध में हम वीडियो बनाते रहते हैं।